सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। जब से पैदा हुआ हूं, होश में आया हूं, बढ़ता जा रहा हूं, देखता जा रहा हूं, आप भी देखते रहे होंगे। बहुत पुरानी परंपरा भारत में होली का, अपना एक इतिहास, बहुत पुराना इतिहास है। आज भी होली को लोग अलग अलग निगाहों से देखते हैं और हिंदू धर्म में इसको एक बड़ा त्यौहार माना जाता है। जी हाँ, और इस त्यौहार में कहा जाता है कि पिछले तमाम भेदभाव, जो भी दिलों में मन मुटाव, सबको मिटाकर एक दूसरे से लोग गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खिलाते हैं, रंग और गुलाल और अबीर उड़ाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, और ये राष्ट्रीय त्यौहार भी कहा जाता है इसे। इस पर राष्ट्रीय छुट्टी भी होती है, लेकिन क्या बताया जाए, बिहार में जब से रामराज आया है तो तरह तरह की खबरें। जी हाँ, रामराज के ऊपर मैं पहले सफाई दे दूं, मतलब भारतीय जनता पार्टी का राज जब से आया वही तो है जो राम के सच्चे भक्त हैं, दूसरे तो हैं ही नहीं। लेकिन राम के भक्तों की सरकार आते ही होली जैसे पवित्र और बड़े त्यौहार, जो हिंदुओं के एक बड़े त्यौहार के रूप में जिसे देखा जाता है, उसमें भी छुट्टियां बंद कर दी गई। छुट्टी खत्म, सारे टीचरों को ये कहा गया कि किसी भी कीमत पर, जी हाँ, थ्रेट पहले समझिए, धमकी, अगर यही काम किसी भी कीमत पर, शब्द समझिए, स्कूल जो भी शिक्षक नहीं आएंगे सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर सरकार कांग्रेस की होती या सरकार दूसरे किसी तीसरे मोर्चे की होती, यानी समाजवादियों की होती, तो क्या होता? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हंगामा खड़ा कर देते हैं, ये राम के दुश्मन हैं, ये हिंदुत्व के दुश्मन हैं, इन लोगों ने होली जैसे पवित्र त्यौहार पर भी छुट्टी नहीं की। सवाल ये पैदा होता है कि क्यों सन्नाटा छाया हुआ है? कोई मैंने शिक्षक संघ इस पर बोलने को तैयार नहीं, कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। अरे बिहार में रामराज है या कौन सा राज है, ये सवाल तो पूछा जाएगा। छोटी छोटी बातों पर सड़क पर उतरने वाले लोग, छोटी छोटी बातों पर तीव्र प्रतिक्रिया देने वाले लोग, छोटी छोटी बातों पर धर्म शब्द का इस्तेमाल करने वाले लोग, और छोटी छोटी बातों पर मतलब तुष्टीकरण का इस्तेमाल करने वाले लोग आज क्यों चुप बैठे? ये क्या है? ये तुष्टीकरण है या संतुष्टीकरण है, या राम के नाम का अपमान है, या राम के मानने वालों पर तालिबानी फरमान है? क्यों नहीं बोलते लोग, और क्यों टीवी मीडिया पर सन्नाटा छाया हुआ है? अगर ये काम किसी और की हुकूमत में होता तो कई ऐसे एंकर हैं वो इतने उछलते कि उनके पिछवाड़े में दर्द हो जाता। साहब कितने जंप करते, गजब हो गया, भारत में तालिबान आ गया, और ये होली पर ड्यूटी कैसे हो गई, होली पर कैसे स्कूल बुला लिया, अब वैसे नहीं चलेगा और ये नहीं होगा। साहब सन्नाटा है बिहार में, लग रहा मातम पसरा हुआ। अरे भाई, इतने भयभीत और डरे हुए लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, लगता है लॉ एंड ऑर्डर खुद ब खुद मेंटेन हो जाता है। और सरकार अगर किसी और की होती तो अब तक सड़कों पर न जाने इस होली में क्या क्या तांडव होता, और स्कूल में ही हंगामा खड़ा हो जाता, और वो गैंग एक गिरोह जो है उसका नाम तो मैं बताना नहीं चाहता, वो तो सारे स्कूलों में घुस घुस कर हंगामे कर देता और कहता हिंदू विरोधी ये सरकार, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन आप तो सन्नाटे हैं, वो गिरोह भी कहां पर होली मना रहा है इसका आता पता नहीं। बहरहाल देश की सच्चाई तो सच बताती है। सो हमारी टीम पहुंची बेगूसराय में, कई स्कूलों और कॉलेजों का नजारा वो आप देखिए, मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, बातें बहुत ज्यादा नहीं हुई है लेकिन नजारा देखिए कैसे उदास और निराश वो सारे टीचर, वो के पाठक जी है ना, हिंदुत्व के ठेकेदार सबसे बड़े पाठक जी हैं साहब, उनका आदेश है, ये किसी मुल्ला उमर का आदेश नहीं है। अगर तेजस्वी की सरकार होती तो तेजस्वी का नाम ही मुल्ला उमर रख दिया जाता, अगर कांग्रेस की सरकार होती तो उसे तो आईएसआईएस भी कह दिया जाता, क्या पता नहीं क्या क्या कहा जाता। सो पहले कहा जा चुका है इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन आज के पाठक के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, आज नीतीश सरकार के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, और हिंदू हृदय सम्राट सम्राट चौधरी के खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है, उनकी पगड़ी पर भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन देश की सच्चाई ने ठाना है कि सच जो है लोगों तक पहुंचाना है, सो मैंने ये स्टोरी नहीं बनाई बल्कि मैंने अपने रिपोर्टरों को बेगूसराय, लखीसराय जैसे कई जगहों पर भेजा। बेगूसराय की तस्वीर मैं लगातार आपको दिखा रहा हूं, टीचर सारे बेचारे ड्यूटी पर आए हुए हैं और अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चे एक भी नहीं, बच्चे क्यों आएंगे, बच्चे पर कोई कार्रवाई तो ये कर नहीं सकते। सो बच्चे कोई नहीं है,
ट्रेनिंग के नाम पर टीचर को बुला लिया गया। लंबी कहानी है, मैं इस कहानी को नहीं सुनाना चाहता हूं, मैं तो मोटी मोटी सी बात कहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों, एक दिन की छुट्टी में कौन सा पहाड़ टूट जाता, एक दिन अगर टीचरों को होली मनाने दे दिया जाता तो क्या गजब हो जाता कि सारे मामले बिगड़ जाते, सारे मामले उथल पुथल हो जाते, या पूरी व्यवस्था चौपट हो जाती, या शिक्षा व्यवस्था को बट्टा लग जाता, या चुनाव की जो तैयारियां हैं वो बिगड़ जाती। कुछ नहीं बिगड़ता एक दिन में साहब। आज छुट्टी का दिन था, राष्ट्रीय त्यौहार था, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार था, छुट्टी होनी चाहिए थी। सो के पाठक का आदेश था और इस फरमान पर सबको नतमस्तक होना पड़ा। सारे टीचर्स ड्यूटी गए हैं। लखीसराय से हमारे संवाददाता ने जो रिपोर्ट भेजी है जरा वो भी आप देख लें, उसके बाद फैसला आप करेंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप देंगे ताकि ये पता चले कि देश की सच्चाई जिस मार्ग पर चल रही है वो सही रास्ता है या नहीं है। हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करते रहेंगे और एक अपील साथ में करते जाएंगे, वीडियो बेहतर लगे तो इसे शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ यूट्यूब चैनल पर देश की सच्चाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शुक्रिया।